नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? नए व्लॉग में आपका स्वागत है। पिछला व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, होपफुली बहुत एंजॉय किया होगा। सन्नी के साथ घूमने गए थे और हाँ, आज हमने ऑनलाइन मंगाया है। ये मिलन ने साथ ही दिखा दिया, मोइनो का माइक AU103। मेरा मुंह तेरा मुंह नहीं, AU। दोस्तों, ये हमने नया माइक मंगवाया है अमेज़ोन से। माइक है मोइनो का AU103। अभी हमने इसे यूज़ करके नहीं देखा है और देखेंगे इसकी कैसी क्वालिटी है और आपको भी बताएंगे। आज इसकी होगी अनबॉक्सिंग प्लस फुल रिव्यू। देखते हैं कैसा निकलता है माइक। अगर आप भी व्लॉगिंग करते हैं या फिर आपको किसी तरीके से अपनी आवाज़ प्रेजेंट करनी होती है, किसी भी टाइप से यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी वीडियोस बनाते हैं, आवाज़ को इम्प्रूव करने के लिए माइक की रिक्वायरमेंट रहती है। ये भी हमें काफ़ी टाइम बाद पता चला था, लेकिन कहते हैं ना, कभी नहीं से देर भली, वही कहानी हमारे पे भी लागू होती है। अब आपको दिखाएंगे इस माइक को अनबॉक्सिंग करके और इसका फुल रिव्यू भी देंगे, ताकि आप अगर ऐसा कुछ मतलब वीडियोस का सोच रहे हैं तो आप इसको जरूर कंसीडर करेंगे। क्या कर रहा है तू? चल आ यार, उसकी अनबॉक्सिंग कर लें माइक की। फिर ये रखा था मैंने, हैं बूमरैंग नहीं, माइक की भी कर दें अब अनबॉक्सिंग। ये देखिए माइक, ये मल्टीपर्पस लेवलियर माइक्रोफोन है AU103, प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन। इस तरफ देखें तो आप ये स्मार्टफोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैमकॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं और DSLR अपने कैमरेज में यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली वीडियो शूटिंग, ठीक है, अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन पता नहीं दो बार दे दिया, अच्छा डिफरेंट तरीके से अगर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, और अगर आप पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपका पॉडकास्ट का चैनल है तब आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये आप माइक कंसीडर कर सकते हैं। बाकी पीछे का दे रखा है, कुछ नहीं दे। ये हमने अमेज़ोन से मंगाया था, लगभग 1300 के राउंड अबाउट पड़ा था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये है हमारा माइक, देखते हैं कैसा निकलता है। चल मिलन खोल दे, कर दे श्री गणेश उसका। ये तो साइड ही रख दे, ये एक्चुअली में सिलिकॉन जली होती है, ये नमी से बचाने के लिए होता है प्रोडक्ट को। सिलिकॉन जली तो बाहर जाएगी। ये दो सेल एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इसके बीच में सेल नहीं है क्या? ये हमारा माइक है और ये जैक कितना बड़ा दे रखा है। अच्छा, ये जैक इसलिए दे रखा है साथ में, अगर बाय चांस अगर आप स्पीकर पे यूज़ करना चाहें। और ये क्या दे रखा है? अच्छा, ऊपर से विंडशील्ड दे रखी है, ये कॉलर में अटकाने के लिए दे रखा है चीज़ें। ओ यार, इसकी वायर तो काफ़ी बड़ी दी है ना। अच्छा, मतलब ये काफ़ी लंबी वायर दे रखी है ना, ये लगभग 6 मीटर इन्होंने बोली थी, 6 मीटर की वायर है, 6 मीटर बोले, 6 मीटर बोला था। उसके बाद आगे क्या दे रखा है? ये आ गया आपका यूज़र मैनुअल है, ये तो चलो बाद में ही पढ़ते हैं। ये साथ में एक दे रखा है मोआनो का किट दे रखी है एक। यार बड़ा सही है ना, ये भी दो दे रखे हैं। ये एक्चुअली में आपके कॉलर पे अटकाने के लिए होते हैं, ये दो दे रखे हैं, दो आपके विंडशील्ड दे रखे हैं, ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा सेल दे रखे हैं और ये घूम के खुलेगा शायद। अरे खुल रहा है, इसके अंदर देख सेल है कि नहीं, कहीं ये ना हो एक्स्ट्रा ना हो वो सेल। नहीं, सेल हैं,
मिलन सेल है नीचे, वेरी गुड, नीचे सेल हैं इसके, सेल भी दे रखे हैं, यानी दो सेल, यानी ये यूज्ड ही है, चार्ज नहीं होता, सेल डलते हैं ना, बैटरी नहीं है ये सेल है। हाँ दुकान से ले लो, बाद में सेल डाल दो, ये काफ़ी टाइम तक चलते होंगे सेल ये। अब ये देखो, आपको एक बार पूरा दिखा देते हैं क्या क्या है। आपको ये मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल के साथ में ये बॉक्स हो गया स्टार्टिंग में, ठीक है, वारंटी कार्ड दे रखा है, ये आपका वो है विंडशील्ड है, और ये दो कॉलर, दो कॉलर दे रखे हैं, दो बैटरी, नहीं चार बैटरी दो माइक के अंदर है, और ये बहुत लंबी तार यहाँ से भी खुलेगी, अभी तो इतनी ही खोली है। चलो अनबॉक्सिंग हो गई है माइक की, चलो इसको यूज करके देखें, एक बार लगा के देखते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं इसका क्या आती आवाज। दोस्तों अब चलो इसकी आपको आवाज़ सुनाते हैं, ठीक है, पहले मैं डायरेक्ट कैमरा में बोलूँगा, आप देखिएगा कैसी आवाज़ आती है। चलो आपको डायरेक्ट अब दिखाते हैं कैमरे की आवाज़। दोस्तों इस समय जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्ट कैमरा से आवाज़ आ रही है। आप देख रहे हैं मिलन सारा व्लॉग्स, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अमेजिंग वीडियोज़ आपको हमेशा मिलती रहेंगी डेली व्लॉग से रिलेटेड। आप खुद जज कीजिए कैमरा की आवाज़ कैसी है। अब जो नेक्स्ट आवाज़ सुनेंगे डायरेक्टली नए माइक मोनो का AU-103 से होगी। दोस्तों अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्टली आप AU-103 से सुन रहे हैं, आप ही जज करके बताइए कैसी आवाज़ लग रही है। अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं ये डायरेक्टली कैमरा से आ रही है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आपको AU-103 से आ रही है। अब आप जज कर सकते हैं कितना आवाज़ में डिफरेंस है। अब इसकी बात कर लेते हैं जहाँ से आप वॉइस अपनी कंट्रोल कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे। पहला ऑप्शन है अगर आप इसमें, मतलब दो दिए गए हैं, एक तो -10 dB और 0 dB, ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर जनरेटर है या फिर काफ़ी हद तक मतलब पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, भीड़ में जा रहे हैं आप, ठीक है, अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप रखिए -10 पे, जिससे कि काफ़ी हद तक बैकग्राउंड नॉइज़ ये रिड्यूस कर देगा। और अगर आप 0 पे इसे रखते हैं डैट मीन्स आप नॉर्मल मतलब थोड़ी बहुत रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप 0 पे रखिए, ठीक है। और ये अगर आप मान लीजिए घर पे हैं और AC या पंखा चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको कर्व जहाँ लाइन है वहाँ पर रखिए, ठीक है, कर्व लाइन की तरफ करना है, एक बार इस तरफ आपको रखना है। और अगर आप मान लीजिए आप नॉर्मल जहाँ पर कोई भी साउंड रिडक्शन आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसे माइनस पर रख सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और ये जो आप इस समय सुन रहे हैं, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट सुना देते हैं, इधर पे AC चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में, और हम कर देते हैं इसे, आप डिफरेंस भी देख सकते हैं साथ के साथ। आप देखिए अगर आप इसे कर्व की तरफ कर रहे हैं और -10 तो आप खुद देखिए कि कितना आपको फ़र्क लग रहा है। तो ये आपको अनएडिटेड वीडियो जाएगी, ठीक है, बिना एडिट्स के, तो साउंड में कोई भी हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, एक है कैमरा का, ठीक है, दूसरा आपका स्मार्टफोन्स का, तीसरा आपका अगर आप माइक यूज़ नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली ऑफ कर सकते हैं, तीन ऑप्शन दे रखे हैं। स्मार्टफोन में भी यूज़ हो जाता है आपका, ये एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्ट है, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं स्मार्टफोन के साथ, किसी भी DSLR कैमरा के साथ, ठीक है। प्लस जो बाकी माइक्स में नहीं होता है, एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है इसमें, हेडफोन यूज़ करना चाहते हैं उसका जैक डायरेक्टली आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप जो माइक है उसके साथ जो 3.5 mm से बड़ा एक जैक दे रखा है ये आप डायरेक्टली लगा देंगे अपने स्पीकर में, ठीक है, तो स्पीकर से डायरेक्टली आप एज ए हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं इसे, जो कि लोग मिस कर जाते हैं। सबसे बढ़िया पाउच, इतना बढ़िया है यूज़ करने में, और इसकी क्वालिटी कपड़े का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है इसको, मतलब इसमें आप ये जो वायर है पूरी एक तरीके से अच्छी तरह फोल्ड करके इसमें रख सकते हैं। अब कौन आ गया, नई ड्रेस पहनी है तूने, वेरी गुड, बहुत अच्छी लग रही है ड्रेस तेरी, ये आज लेके आई है बाजार जाके, तूने ब्लॉग में नहीं डाला, वीडियो नहीं बनाई इसकी, हैं?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत सारे कपड़े हैं, सब का ब्लॉग बना देना, बता देना क्या क्या लेके आए, ठीक है? अनबॉक्सिंग कर देना। हम जो लेके आए थे हमने उसकी अनबॉक्सिंग तो कर दी है, ठीक है? चल ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा डिले हो गई थी। उससे पहले एक व्लॉग आ गया था जिसमें आपने देखा होगा, आउटडोर व्लॉग था, मैक्सिमम व्लॉग ऑटो के अंदर शूट किया गया था। उस व्लॉग में और जो भी ऑडियो थी इस माइक के थ्रू थी। तो आप देखना चाहते हैं इस माइक का रियल टाइम क्वालिटी टेस्ट, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। जितना भी ऑटो के अंदर शूट किया गया है वो इस माइक के थ्रू था। ऑटो के अंदर काफ़ी शोर होता है, फिर भी इस माइक की काफ़ी हाई परफॉर्मेंस थी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी आपको शो होगा।